दोस्तों गेहूं के आटे से आप अपने अनचाहे बाल यानी फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। दोस्तों अनचाहे जो बाल होते हैं वो किसी को पसंद नहीं होते हैं, खासकर लड़कियों को ये जो मूछें आ जाती हैं बड़ी बड़ी तो बहुत ही ख़राब लगता है। इसके लिए हम थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग करवाते हैं बट बहुत ही दर्द होता है, बट ये जो आप करेंगे होम रेमेडी इससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला है और आपके जो बाल हैं वो जड़ से निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, पर वीडियो की एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि इस जो होम रेमेडी से लगाना तो आसान है बट इसको निकालने का जो तरीका है वो ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो फेशियल हेयर को रिमूव करने की होम रेमेडी है इसमें आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो आपको आसानी से किचन में मिल जाएगा। पहला है ये आटा जिसकी हम रोटी बना के खाते हैं यानी गेहूं का आटा, और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, सबके घर में ही होता है। और दूसरा हम जो यूज़ करने वाले हैं ये है बेसन। आपको पता है ना बेसन हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बेसन यूज करने वाले हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कच्चा दूध, ये भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है गेहूं का आटा। मैं अपने अपल लिप्स पे इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो मैं सिर्फ अपर लिप्स के लिए ही मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ। ये मैंने आधी चम्मच लिया था, उसका भी आधा है, एंड थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ। एंड दोनों को क्या करूँगी, ठीक है, आधी चम्मच लगभग बेसन मैंने ले लिया है, इसे आपस में मिक्स कर लेंगे एकदम बराबर से। अब इसका पेस्ट तैयार करना है, तो पेस्ट तैयार करने के लिए हम यहाँ कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगर कच्चा दूध नहीं है वैसे आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं है किसी चांस क्योंकि दूध पका दिया जाता है फिर नहीं होता है घर में, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं गुलाब जल, वो भी उसी तरह ही वर्क करेगा। आप चाहो तो गुलाब जल भी ले सकते हैं। तो हमें इसका बहुत ही पेस्ट तैयार करना है, बट जो पेस्ट है बहुत ही पतला तैयार नहीं करना फेस पैक की तरह, थोड़ा सा आप उसे गाढ़ा ही रखिए। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों बिल्कुल नेचुरल तरीका है, इससे ना आपको इरिटेशन होगी जो वैक्स करने के बाद रेडनेस हो जाती है, रेडनेस बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, और ये 100% वर्क करता है। मैं अपर लिप्स इससे करने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी होम रेमेडी देखी, मैंने ट्राई किया बट हर होम रेमेडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, खासकर कोलगेट वाली, तो प्लीज़ उसको ट्राई मत करना और उसका नुकसान भी हो जाता है। तो मैंने ट्राई की, उसके बाद मुझे ये होम रेमेडी पसंद आई और मैंने इसको यूज भी किया, उसका इफेक्ट भी दिखा। दोस्तों बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा उन्हें गेहूं का बुकवा लगाया जाता है, यानी उपटन उसे कह सकते हैं, हमारे यहाँ बुकवा बोलते हैं। उसे क्या होता है कि उस वक्त हमारे जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं बचपन में, तो फेशियल जो हेयर होते हैं चाहे बाल होते हैं वो बचपन से ही कम हो जाते हैं, बट बहुत से लोगों को बाल कम नहीं होते। बट मेरे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है, आप देख सकते हो फेस पे इतने फेशियल हेयर नहीं है, लेकिन कुछ लोग को बहुत ही फेशियल हेयर होते हैं तो उनकी ये बहुत ही हेल्प करने वाला। तो हमें ऐसे जैसे हम वैक्स लगाते हैं ना वैसे इसे अप्लाई करना है। मैं अपने एप्पल लिप्स पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है, इस तरह हमें अप्लाई करना है। यार मेरी पीली पीली मूछें लग गई हैं यार, प्लीज हंसना मत। ओके, दो दिन से वीडियो में शिकायत आ रही है, श्रुति जी आप हंस नहीं रही थी वीडियो में। यार मैं स्माइल करती बट बताने के चक्कर में ना मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो ये मैं बहुत फनी से लगने लगी। तो अब हमें क्या करना है, इससे ये मैंने अप्लाई कर लिया है, ठीक है, जैसे हमें वैक्स अप्लाई करना होता है। अब इसे हम अच्छे से सूख जाने देंगे, ठीक है, अच्छे से सूख जाने दीजिए, उसके बाद हम इसे हटाने वाले हैं। हटाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इसे धुलने वाले नहीं हैं। अगर आप धुल लोगे जैसे फेस पैक लगाते हैं धुल लेते हैं तो वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसे हटाना इम्पॉर्टेंट है। इसे कैसे हटाना है, ये सूख जाए फिर मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। आपको जो तरीका है जिस तरीके से मैं इसे रिमूव करूँगी आपको उसी तरीके से इसे रिमूव करना है। तो चलिए पहले से हम लोग सूख जाने देते हैं, और इसे सूखने में लगभग 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट में सूख जाए फिर मैं आपको बताती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हमें इसे रिमूव करना है। और जब ये सूख जाएगा तो आपको बोलने में भी दिक्कत होगी, एंड जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि आपके बाल खींच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, अच्छे से जब आटा चिपक जाता है, जितना सूख जाएगा तो उसे निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया है, 15 से 20 मिनट हल्का सा बिल्कुल गीला है, बाकी ये सूख चुका है। तो आपको लगेगा कि ये जो है बालों में बहुत अच्छी तरह से चिपक गया है, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये जड़ से उखड़ने लगेगा, यानी इसकी जो जड़ है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, तो जिससे हमारे जो फेशियल हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। आप अपर लिप्स क्या आप पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या होता है, आपने इसे जब लगाया है तो ये आपने बालों की ग्रोथ की दिशा में लगाया है। अब हम बालों की जो उल्टी दिशा है, विपरीत दिशा है, हम वहाँ से हटाने वाले हैं। तो देखिए मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है। हम क्या करेंगे, जैसे हम फेशियल वैक्स करते हैं तो पट्टी वैक्स पट्टी ऐसे लगाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे रिमूव करते हैं। हमें खींचना नहीं है, हमें रफ करना है। तो चलो हम लोग करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी टंग यहाँ पे लगा दीजिए, इधर बोल के इधर लगा रही हूँ मैं, ठीक है। हल्का सा चाहो तो थोड़ा सा सूखा आटा भी आप लगा सकते हो अपनी उंगली में। अब इधर से भी लाइट चली गई, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बीच में, एंड थोड़ी सी नॉइज आएगी। अब घर के सारे लोग लाइट जगने के बाद थोड़ा सा जग जाते हैं, वैसे भी आ रही थी पहले भी। ये देखिए मैंने जो सारे बाल थे वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। आप इसे ट्राई ज़रूर करना, आप इसे सिर्फ अपर लिप्स के लिए नहीं, अपने फेशियल हेयर पर भी ट्राई कर सकते हो, एंड अपने हाथों के जो बाल हैं उनको, हाथ पैर के जो बाल हैं उनको भी हटाने के लिए, अनछाए बालों को हटाने के लिए यूज कर सकते हो। इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं है जो हम यूज करते हैं अगर वैक्स वगैरह, तो जलने का भी डर रहता है, बिल्कुल भी आपके स्किन बिल्कुल भी जलेगी नहीं, बिल्कुल भी आपके स्किन को कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है वैक्स करने के बाद दाने भी निकल आते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल नेचुरल तरीका है अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको नॉर्मल पानी से धुल लेना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो के को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो शेयर करूँ आपके साथ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड हाँ दोस्तों आप लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने का। और हाँ दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।